काम करने में या काम के लिए योजना बनाना, उसको इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करना, इसके लिए तो मेरा मन में आग्रह रहता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक जा के उद्घाटन करना, ये सब चीजों में मुझे बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रहता, क्योंकि जब काम हो जाता है तो जो उसका पर्पस है वो सर्व हो जाता है और उसके अंदर से जो एक संतोष की प्राप्ति होती है वो स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस क्षेत्र में अभी मेरे पास कम से कम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए इनमें से कोई भी तीनों हमारे कॉर्पोरेटर्स में से कोई एक भी ये कहे कि हमने ये चीज आपको कही और इसके लिए आपने पैसा नहीं दिया। इनके पास प्रोजेक्ट्स की कमी हो सकती है, मेरे पास जो है कोई, मैंने जहाँ अपना डेवलपमेंट फंड है उसका इस्तेमाल किया, और भी जो सरकार में व्यवस्थाएं होती है कहाँ कहाँ से पैसा लिया जा सकता है, रोड्स के लिए कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, कम्युनिटी सेंटर्स के लिए, और बहुत सारे तो अधिकांश तो जो कार्यक्रम है यहाँ, मेरे ख्याल से कोई शायद आपका पार्क बचेगा नहीं जिसमें जिम नहीं होगा, वो प्ले फील्ड वाले जो अपरेटर्सेज होते हैं बच्चों के लिए, कम्युनिटी सेंटर जहाँ जहाँ संभव थे वहाँ पर, दूसरे स्विमिंग पूल जैसा कहा, और भी जो जो चीज़ें लोगों ने ध्यान में दिलाई, क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों ने ध्यान में दिलाया वो तो सब प्रोजेक्ट के ऊपर निश्चित रूप से। अब जहाँ प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है और प्रॉब्लम किसी ने ध्यान में नहीं दिलाई उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी जो है इस कार्यकाल का लगभग एक साल हमारा बाकी है, तो अभी भी मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि अभी भी आपके ध्यान में कोई ऐसे विषय आते हैं जो हमारे ध्यान में दिलाए गए, कोशिश है, बहुत सारे काम हो सकता है अभी प्रोग्रेस में होंगे, बहुत सारे हो सकता है कि शायद अभी भी वो उनका समाधान ना हुआ हो, तो आप उनको परस्यू करते रहिए। मेरा अपना ये अनुभव निश्चित रूप से है कि जिन कामों को भी, चाहे डिफिकल्ट भी हो, परस्यू अगर आप करते रहे तो कठिन से कठिन समस्या जो है उनका भी एक ना एक दिन समाधान होता है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मैं जो अपने 25 साल के सार्वजनिक जीवन में से दे सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई यहाँ आवश्यकता नहीं। आजकल सारे देश में और दुनिया में मैं एक ही चीज़ के लिए अपील करता हूँ कि जो हमारा पर्यावरण है इसकी रक्षा के लिए एक हम लोगों ने सारे देश में एक ग्रीन गुड डीड्स का एक मूवमेंट शुरू किया है, और ऐसे 500 से ज़्यादा अच्छे काम जो हम हमारे जीवन में हर रोज़ कर सकते हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए हैं, और आने वाले बच्चों को जिनका जन्म नहीं हुआ है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है, उनके लिए बेहतर हवा, बेहतर नदियाँ, बेहतर जंगल, ये सब वापस लौटाने के लिए हैं। इस मूवमेंट को पिछले समय में हमने देश में कई जगह जा के लॉन्च किया है, 2 महीना पहले बम्बई में लॉन्च किया था, फिर तेलंगाना में, हैदराबाद में लॉन्च किया जाके, फिर पीछे बेंगलोर में लॉन्च किया, अभी अप्रैल के महीने में अभी केरल में और दूसरे स्थानों पर लॉन्च करने वाला हूँ, और आपको पीछे इसके बारे में नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर भी इसके बारे में लॉन्च किया, तो आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि हमारा जो ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट है इसको यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़े मूवमेंट की तरह अडॉप्ट किया है, और अभी इस साल जो पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसने उसकी जिम्मेदारी हमारे को भारत में उसका काम करने के लिए दी है, और सारे दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के बड़े लीडर्स जो है वो 5 जून को भारत में होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ भारत में किया जाएगा, 10-15 दिन तक उसका बिल्डअप होगा, और जो यूएन के जो एनवायरमेंटल चीफ हैं एरिक, उन्होंने ये जो ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्प्रेड करने के लिए और भी कई देशों के पिछले समय में हमें राष्ट्रपति और दूसरे लोग मिले, क्योंकि अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो मूवमेंट प्रधानमंत्री जी ने शुरू की इसमें बहुत सारे दुनिया के देशों के लोग यहाँ आए, वो जिसने भी ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की उन्होंने अपने अपने देशों के अंदर इसको प्रारंभ करने के लिए इसको टेकअप किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया के लोग उसको टेकअप कर रहे हैं तो कम से कम हमारे देश में, हमारी राजधानी में, और उसमें कम से कम हमारे अपने क्षेत्र के अंदर जो है जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, समाज के लोग हैं, वो अपनी ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन ग्रीन गुड डीड्स को जो है आप अपनाएं,
और इनके लिए छोटे 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 आंदोलन अपने क्षेत्र में खड़े करें। हमें एक बहुत ही यशस्वी और बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिले, जो बहुत गहराई और गंभीरता से भारत के लोगों की पुरानी पुरानी जो 60-70 साल से समस्याएं चल रही उन समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं, बहुत गहराई से चिंतन कर रहे हैं। देखिए, किसी प्रधानमंत्री ने इतनी गहराई से चिंता आज तक नहीं की। उन्होंने थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराया, देश की प्रतिष्ठित एजेंसीज के माध्यम से सारे देश का सर्वे कराया और ऐसे 115 उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को ढूंढा जो कि 70 साल की यात्रा के अंदर जो है पीछे रह गए होंगे, जिनको उन्होंने कहा ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट, और उनके ऊपर पूरी ताकत लगाकर जो है उनके ऊपर कैसे जो है हम उनको बराबर खड़ा कर सकते हैं। पहले दिन से, मतलब एक लीडर का विजन होता है, पहले दिन से हमने उनका विजन देखा कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि नॉर्थ ईस्ट को जो है हम कैसे देश के बराबर लेके आएंगे जो पिछड़ गया है। और आज आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4 साल के अंदर, ये नहीं कि ये कोई बाकी देश के विकास के एक्सपेंस पे किया, लेकिन उसको जो जिस पे जहाँ सिर्फ राजनीति लोग करते थे लेकिन काम के बारे में कोई ध्यान नहीं देते थे, आज नॉर्थ ईस्ट में इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई रेल से कनेक्टिविटी के, कोई एयर से कनेक्टिविटी के, कोई साइंस के, कोई एनवायरनमेंट के, कोई अपने एजुकेशन के, कोई टेक्निकल एजुकेशन के। ये आपने देखा कि 4 साल के अंदर वहाँ के लोगों को इतना महसूस हुआ कि कितना फर्क है कि आज नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह जहाँ हम कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कभी सपने में नहीं सोचते थे कि कभी हमारी वहाँ पर सरकार हो सकती है, और ऐसी जगहों पर जहाँ कि कम्युनिस्ट लोग शासन करते हो 20-20, 30-40 साल से, और जहाँ पर 60-70-80% क्रिश्चियन आबादी हो, उन प्रांतों में कभी हमने जीवन में नहीं सोचा था कि कभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो सकती है। वहाँ पर भी आप देखें तो अभी 8 में से 7 प्रांत में नॉर्थ ईस्ट के जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोग जो है वो सरकार अगर लाते हैं, बनाते हैं, तो ऐसे ही नहीं बनाते हैं, उनको भी जब लगता है कि गहराई से, ईमानदारी से जो है हमारे लिए चिंता हो रही है। अभी मैं मणिपुर के अंदर, उनकी सरकार का 1 साल पूरा हुआ था तो मुख्यमंत्री ने बुलाया था, मैं गया था उनके सेलिब्रेशन में, मैंने देखा वहाँ के लोगों में कितना उत्साह था कि 1 साल में लोगों ने कहा कि ये मणिपुर में भाजपा की सरकार आई है, इसने 1 साल में इतने काम किए, 50 साल में किसी ने इतने काम नहीं किए होंगे। अभी त्रिपुरा के अंदर जो सरकार हमारी बनी है, वहाँ मैं उसके शपथ ग्रहण में गया था, वहाँ मैंने देखा लोगों में कितना ज़बरदस्त उत्साह था। उन्होंने 25 साल की जो है कम्युनिस्टों की सरकार को उखाड़ के जो है उसको इतिहास के डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत गहराई से इस देश की, और बहुत कई सारे उन्होंने कठोर निर्णय भी किए हैं, लेकिन जितने भी निर्णय किए हैं वो देश के वास्तविक हित में किए। कई निर्णय ऐसे हैं जिनसे हम लोगों को भी छोटी मोटी तकलीफें हुई हैं, कोई GST का हुआ है तो व्यापारियों को थोड़े समय के लिए तकलीफ हुई है, कोई नोटबंदी का हुआ तो लोगों को लाइन में लगना पड़ा, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है ये जो देश का जो हित है आखिर में देश को प्रगति, क्योंकि देश अगर प्रगति करेगा, देश का ग्रोथ रेट इम्प्रूव होगा, तो हम सबको जो है उसके अंदर से जो है अल्टीमेटली जो है हमें लाभ होने वाला है, सबका जीवन स्तर बढ़ने वाला है। तो स्वास्थ्य के अंदर कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं, यानी आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि 125-30 करोड़ में से 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसके लिए 5 लाख रुपये तक का हेल्थ के ऊपर, उसके स्वास्थ्य की रक्षा के ऊपर जो खर्चा है वो सरकार करेगी। यानी 10 करोड़ और एक की फैमिली में 5 लोग अगर हैं तो ये जो आयुष्मान योजना है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। किसी ने इसके बारे में आज तक इतनी गहराई से नहीं सोचा होगा कि लोगों के लिए अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना भी कितना कठिन है। सिम्बोलिक योजनाएं लोगों ने बनाई है, थोड़ा बहुत कोई पहले 30,000 रुपये मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा, जिसके अंदर आप जानते हैं कि अस्पताल में जाइए तो 10-20 हज़ार रुपये में तो क्या होता है, जो है एक छोटी मोटी बीमारी का छोटा मोटा इलाज भी आज के युग में नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं बना बना के, और खाली योजनाएं बनाई नहीं, जो भी योजना बनाई उसको उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया सफलता की।
अगर उन्होंने कहा कि लोगों का बैंक का खाता मैंने खोलना है तो शुरू में समझ में नहीं आता बैंक का खाता खोल के क्या होगा। तो एक आदमी छोड़ा नहीं हिंदुस्तान के अंदर जो है 31 करोड़ लोगों के खाते खोल दिए, और जब उन खातों के अंदर सीधा एक रुपए के बदले 100 पैसा जो है बटन दबा के पहुंचना शुरू हुआ नागालैंड में भी और त्रिवेंद्रम के अंदर भी और जो उड़ीसा के ट्राइबल इलाकों में भी, तब इस देश को समझ में आया कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों खाता खोलने के पीछे पड़े थे। ये वही देश है जहाँ लोग बोलते थे एक रुपए के बदले 15 पैसा जो है देश में लोगों के खाते में पहुंचता है, लोगों को मिलता है। अब एक रुपए के बदले पूरा 100 पैसा गरीब आदमी के खाते में डायरेक्ट जाता है सारे देश में दूर दराज में।